पुरानी प्रॉपर्टी है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वही अब स्टार प्लस पे हो रही है। और उसमें मतलब मेरा सौभाग्य कि मुझे मेंटर या आप जज के लिए मेंटर के लिए के रोल में नियुक्त किया गया है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कैसे मतलब होता है कि हमेशा जो है आप अपने बारे में सोच रहे होते हो कि अब मैं कैसे बेहतर लिखूँ या मैं कैसे बेहतर करूँ, है ना। इस बार मौका मिल रहा है कि क्योंकि ना पिछले 10-15 सालों में कॉमेडी बहुत ग्रो कर रही, तो कॉमेडी को एक नया डायरेक्शन देने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो मुझे लगा कि अगर नई बात की अगर अपन पहले जा रहे हैं नई तरह की बात का, तो अगर मौका मिल रहा है उस कल्चर को आगे बढ़ाने का, जो नए सीखने वाले लोग हैं उनको अगर मेरा जो भी थोड़ा बहुत 7-8 साल का एक्सपीरियंस है अगर उससे उनको कोई मदद मिल सके। और उससे भी ज्यादा मेरा ये शो करने का मोटिव ये है कि यार जब हिंदुस्तान के घर घर में जब लोग लाफ्टर चैलेंज देखे ना, तो मुझे और जो बाकी जो लोग हैं पार्टिसिपेंट्स उनको देख के अगली बार जब कोई लड़का घर में कहेगा कि मुझे कॉमेडियन बनना है, तो उसके माता पिता, उसका भाई, उसकी भाभी, उसकी बहन इस बात पे शक न करें कि प्रोफेशन है कि ना वो। तो मेरा ये इंटेंट है इस शो को लेकर कि जब जब कोई देखे तो उसको पता रहे कि हाँ यार कॉमेडी प्रोफेशन है और इसको करके लोग आराम से अपना घर की किश्तें और गाड़ी की किश्तें भर सकते हैं, बच्चों की फीस चली जाएगी इस काम से। तो बस यही है, ये शो है। और मेरे ख्याल से इस बार ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। इस बार हम तीन, मैं हूँ, मल्लिका दुआ है, हुसैन दराज साहब, तो हम लोग की टीम्स हैं। तो जो 15 जो अभी शॉर्टलिस्ट हुए वो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग जितना भी पता है हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी तरह से ये फॉर्मेट आगे बढ़ेगा। और अक्षय कुमार है साहब, तो उनके साथ भी बड़ा मजा आएगा। तो वो अपनी तरह से जो भी है कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक बेहतर शो, नए दौर में नए तरह का शो बनाने की कोशिश कॉमेडी को लेकर हम कर रहे हैं। और 30 सितंबर को पहला एपिसोड आएगा तो आप लोगों को चले जाएगा कि कैसे शो के अंदर मैं कैसे आया। एक तो पैसे बड़े दिए इन्होंने, पिछले साल की शो की बात चली और अल्लाह करम से पिछले तो उसमें भी थोड़ा सा हो गया कि अगर कॉपी की बात चल रही थी स्टेशन था कि टीवी करना है कि नहीं करना है अपन, क्योंकि ना इंटरनेट की दुनिया के लोग अपना यूट्यूब कर। पर ये यार मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने आप को अनकम्फर्टेबल रखूँ, मतलब ना अपन वॉरियर तो टीवी का भी देखें नया चैलेंज करना ये नया कुछ क्योंकि घर घर में सिंगर तो है डांसर भी, लेकिन कॉमेडियन घर घर में होता है। क्योंकि कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म क्या होता है कि लोग अपने दोस्तों में खड़े होते हैं, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट में हजार लोगों से रिश्ता कायम करना आना चाहिए, फिर वो रिश्ता कायम रखना आना चाहिए, प्लस उनकी बदलती सोसाइटी पर वो इवॉल्व हो रहे हैं ना हम लोग सोसाइटी में इवॉल्व करें। पर कॉमेडियन को ना पेंटर को ये इवॉल्व की जरूरत नहीं है, गाने गाने वाला अपने गाने गा सकता है, पर कॉमेडियन को सोसाइटी की सेंसिबिलिटी के साथ मैच करना पड़ता है, इसीलिए आर्ट फॉर्म बहुत मुश्किल। और यार अभी तो अपना टाइम चलो जो बहुत सारे लोग हैं जो ना बहुत बाहर बाहर गए हैं, उन्होंने बाहर का देखा वेखा है, तो उनको लगता है कि वहाँ ज्यादा सही है यार नहीं, पर अपना अपना देखा है तो यही का देखा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि ना कॉमेडी ना पिछले 8 सालों से अंडरग्राउंड सीन था, मतलब हम ना बहुत छोटे छोटे बहुत 100 लोगों में 200 लोगों में परफॉर्म करते थे, तो आदतन हमें कुछ भी कह देने की आदत होगी, ठीक है। पर जब से इंटरनेट का बूम आया है और जब से फिर अचानक से वीडियोज एकदम वायरल होने लग गए, और पिछले 1.5-2 सालों में ये बड़ा चलन इसका बहुत बड़ा जियो की वजह से कह लो या दूसरे जैसे डेटा प्लान बहुत सस्ते हो गए,
तो इतना अटेंशन ना हमें आदत नहीं थी, ना हम लोग तैयार थे। तो हमने वहां से बोला कि अरे क्या हो गया, इतना भी देख रहे बंद कर दो, नीचे की वायरलिटी। तो क्या होता है ना कि सबकी सेंसिबिलिटी तक तो आप पहुंच ही सकते हैं ना, आपकी बात वीडियो में क्या लाइव ऑडियंस में ना, आप एक एक टोन होती है शो की, है ना, एक आत्मा कैरेक्टर होता है, फिर वो उस कैरेक्टर के साथ कोई ऑफेंसिव बात बोलो तो पुल ऑफ कर देता है, उस दिन का कैरेक्टर उसका, लेकिन वीडियो में चार मिनट कुछ देता है और जो उसने कह दिया वो कह दिया, और उसको जो समझना है वो समझेगा, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं सकती। तो मतलब एज एन आर्टिस्ट ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारे लोग हैं, आप गली बनते हैं। क्या होता है ना कि हमारा जो स्टिग्मा है आर्टिस्ट को लेकर, हमारा जो स्टिग्मा है आर्टिस्ट को लेकर वो ये कि कोई भी आर्ट हो, मेरे समाज में ठीक है, मैं बहुत ही इज्जतदार घराने से हूँ, उस्ताद मुरुद खा रहे मेरे दादा हैं, अभी भी उनका इंतकाल हुआ। तो जो मैंने सीखा है, मैंने थिएटर बहुत देखा है, मैंने कथक बहुत देखा, डांस बहुत देखा, मैंने सितार बजाई, मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, हर आर्ट फॉर्म ना, सॉरी चले गए, या आर्ट फॉर्म सोसाइटी के आगे निकल जाए, तुम्हारे घर में गालियाँ हैं इसलिए स्टेज पर आपको रोकती, आपको आप टैग करना चाहते हो जिस कलेक्टर का आप नाम ले रहे हो, आप उनको टैग करना चाहते हो उससे कि ये तो गालियां देते, इसलिए पॉपुलर गालियां बकना वो मुश्किल है क्या, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, प्लीज पक के तुम भी कमा लो अगर कुछ ना, पर ऐसा सच नहीं है, उसके आसपास बहुत सारा माहौल है, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना वो होता है कि आर्टिस्ट पर बहुत है, हमारे देश में सारी बाउंड्रीज बस उन्हीं के लिए है, बाकी जिसे जो कहना कहे, जिसे जो करना है करे, बस ये तो माइनॉरिटी जिनके लगे तुमने ऐसा नहीं बोला चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ढंग का नहीं होना चाहिए, तो बस वही है। मतलब जब जब भी आपको लगेगी कोई भी आर्ट फॉर्म लाइन क्रॉस कर ले, घर से सोसाइटी चेक कर लेना, आपको जानकारी सोसाइटी लाइन क्रॉस कर लेना।